नमस्ते दोस्तों, एआर रिएक्ट्स के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है अमित शाह स्टेटमेंट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर गोज वायरल इन पाक। तो पाकिस्तानी जनता का इस पर क्या रिएक्शन है, वो क्या बोल रहे हैं, और अमित शाह जी का कौन सा ऐसा जो स्टेटमेंट है जो कि वायरल चल रहा है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि पाकिस्तानी जनता यहाँ पर क्या कह रही है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, तो इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है चैनल पर, तो जो भी छोटी मोटी गलती हो या जो भी मिस्टेक हो उसे आप इग्नोर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है अमित शाह के स्टेटमेंट पर, और वो स्टेटमेंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें 1947 से लेके आज 2023 तक, हर इलेक्शन में ये नारा लगता है कि लेके रहेंगे कश्मीर, कश्मीर हमारा है। जबकि दूसरी साइड इंडिया की अगर बात करें तो वहां पे ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया गया, डेवलपमेंट का काम किया गया, और उनके होम मिनिस्टर अगर उनकी बात करें, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे और पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है। पब्लिक से बात करेंगे इसी हवाले से, क्या हर कश्मीर है किसका, लेकिन विद लॉजिक बात करनी पड़ेगी, सिर्फ जज्बात के साथ नहीं, लॉजिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मंजूर चट्ठा। मंजूर चट्ठा। आपका नाम? अहमद हसन। आपका नाम? असद नईम। ठीक है, क्या करते हैं भाई? हम फार्मा में जॉब करते हैं। मुझे बताएं सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक? लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, तो और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई, मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं पाकिस्तान में, 24 करोड़ वादी, ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका होगा? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता, होता है एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल, मुसलमान अगर वहाँ पे भी ज्यादा है ना, तो ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बाद में जब जंगें हुई, डिवाइडेशन हुई, उसके बाद कश्मीर उनको उनके पास चला गया। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ, मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में? एक मेरा बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई, उसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से, बहुत सारी लाज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई, लेकिन वो जाहिर बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीज़ें एक्सेप्ट की गई। अच्छा, अब हम आते हैं वो उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर ने इस टाइम, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी, जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असम्बलियों में बढ़ा दी है, उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पर बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है, हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आजाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है, क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जगीर नहीं है कि ऐसे बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है, हमारी अदलिया, हर चीज़ है, हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। ठीक है, वो एक पहले नंबर तो चाहने से कुछ नहीं होता, दूसरे नंबर अब पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है उस पे हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब मोहब्बत आपने देखा, जैसे आपने जज्बात से बोला कश्मीर हमारा है मुसलमान, हम कर क्या रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इवन के जो हमारी पिछली हुकूमत थी उसने काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के हवाले से, यानी टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी वहाँ पे एफर्ट की, और टूरिज्म बहुत सारे बड़े मुल्क से भी आते रहे हैं, और बहुत सारा काम किया गया, और बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान ने टूरिज्म से कमाया, इवन के अभी भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश है, क्योंकि वहाँ पर थोड़े लोग अनएजुकेटेड हैं, और जब उनको थोड़ा हम एजुकेट करेंगे तो हम टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज्म की वजह से अपना पूरा मुल्क चला रहे होते हैं। ये देखें, वो कश्मीर किसका है किसका नहीं, एक अलग टॉपिक है, जो लेकिन जो इन्होंने ये बात की है कि भाई टूरिज्म के थ्रू हम बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान साइड पर कश्मीर है, लेकिन हम सिर्फ नारा लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट देते हैं, प्रैक्टिकली जो हमारे साथ कश्मीरी हैं उनके लिए क्या करें, इसके ऊपर बात करेंगे। भाई मुझे ये बताएं कश्मीर किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है? अब वो जब तक कश्मीर को कश्मीर के राइट्स, कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते,
तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं, हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स वो पूरी नहीं हो रही, पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते, इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते, जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। बड़ी अथेंटिक बात बताऊं, हमारे लोगों को ये बताया जाता है कश्मीर पाकिस्तान का है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आज तक किसी हमारे हुक्मरान ने ये नहीं बोला कि कश्मीर पाकिस्तान का है, वो ये कहते हैं कश्मीर को आजाद करवाएंगे। हमें यहाँ पे डिस्प्यूटेड कहा जाता है, हमें यहाँ पे जो उनसे मिसगाइड किया जाता है कि कश्मीर हमारा है, जबकि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में जाके कश्मीर को हम अपना बनाकर तब डेवलप कर सकते हैं, वहाँ की टूरिज्म तब प्रमोट कर सकते हैं जब अपने हालात अच्छे कर लेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही निचले, अपने पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा नीचे हैं, वो सिंध चले जाएं, बलोचिस्तान चले जाएं, आप केपी के चले जाएं, इवन आप इधर लाहौर पर आप देखें, लाहौर का एक इलाका है लिबर्टी मार्केट, लिबर्टी मार्केट से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं गुरु मांगट, वहाँ से एंटर होते ही लाहौर ख़त्म हो जाता है या लिबर्टी ख़त्म हो जाता है। ये इलाके तो इतने डेवलप हुए नहीं, तो हम डेवलप करने जा रहे हैं टूरिज़्म को या कश्मीर को लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तानियों के बेसिक राइट्स हैं वो उनको फ्राहम हो, देन हम कश्मीर की भी बात करेंगे। हम अपने इलाकों को डेवलप करें, अपना टूरिज्म लेवल प्रमोट कर दें, ताकि कश्मीरियों को भी लगे पाकिस्तान कुछ ना कुछ दे रहा है। आप मुझे ये बता दें, कश्मीरी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हैं? बड़ा सवाल है, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, अगर किसी को मेरी बात पे शक हो तो जाके, मैं इंडिया साइड कश्मीर नहीं पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जाके वहाँ पे सर्वे कर लें, मेरे ख्याल से 70-80% जो खासतौर पे यूथ है वो यही कहेंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें अलहदा खुद मुख्तार रियासत बनानी है, कुछ लोग इवन ये भी कहते हैं कि हमें जहाँ पे राइट ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी हम वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे हमें आज़ादी होगी लाइफ गुजारने की, और वो आज़ादी यहाँ पे है वहाँ पे है। ये सबके दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाता है तो हम ये एबिलिटी या कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम कश्मीरियों को वो सारे राइट्स दे सकते हैं, बताएं? हमारे ऊपर तो देखें बटन मजीद, हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल क्या, बहुत नामुमकिन नजर आता है ना। तो अभी जो बात कर रहे हैं राइट देने की, तो मैं बता दूं जो स्टेटमेंट यहां पर वायरल हो रहा है अमित शाह जी का, वो राइट को लेकर ही है, और उसमें कुछ जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बिल लेकर आए हैं, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि भाई ये जो पाकिस्तान की जाहिल जनता है वो क्या बता रही है। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जो यहाँ पर टॉपिक में लिखा हुआ है, उसके बारे में तो ये लोग कुछ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल टॉपिक क्या है उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो कोशिश आप जो भी प्रमोट कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि ऐसी अवेयरनेस प्रमोट हो जिसमें हम डेवलप हों, सबसे पहले हम खुद डेवलप होंगे तो फिर सबसे पहले डेवलप हो, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो पंजाब है इसमें 8 सिटीज़ हैं मॉडल सिटीज़, उसमें गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहर हैं ऐसे, वो पूरी तरह डेवलप नहीं है। आप जिस मॉडल टाउन में बैठे हैं, गुजरांवाला का मॉडल टाउन, ये कोई मॉडल एरिया नहीं है, ये सात वाली गली में चढ़े आपको पानी खड़ा नजर आएगा, कूड़ा क्रिकेट नजर आएगा। बात तो काटती है, बात करता हूँ पूरे गुजरांवाला में, ये बड़ी अथेंटिक बात कर रहा हूँ, एक भी गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात। सर हम जब छोटे थे ना, तो हम गली मोहल्लों के छोटे छोटे ग्राउंड्स में या पार्क में चले जाते थे, हमारा डेवलपमेंट लेवल ये, हमारा ग्रोथ रेट ये, हमारी तरक्की का लेवल ये है कि हमने ग्राउंड्स ख़त्म कर दिए, पार्क्स ख़त्म कर दिए, ग्रीनरी ख़त्म कर दी, दरख्त काट दिए, और सीवरेज का निज़ाम इतना सोसाइटीज़ बना चुका, सोसाइटीज़ बना गई, व्हाटएवर जो भी किया, तो एक लाइफ साइकिल होता है कि ज़मीन जो पानी को अब्सॉर्ब करेगी, उसके बाद वो फिर ये बनेंगे फल वगैरह निकलेंगे, ग्रीनरी होगी और सारे इन्वायरमेंट में बेहतरी आएगी, बुखारात बनेंगे, दोबारा से वो रिसाइकिल, एक लाइफ साइकिल जो चेन होगा, फिर ज़िंदगी उभरती है। अच्छा, इस तरह के मामला इतने परागंदा हो चुके हैं, हमें साफ़ हवा नहीं मिलती, अच्छा खाना नहीं मिलता, रहने के लिए कोई अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप सुबह वॉक पे निकलें बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, आप वॉक भी नहीं करने जाते कि एक साइड पे आपकी गंदगी के ढेर हैं, एक साइड पे ना वो। अच्छा ठीक हो गया, ये तो हमारे थोड़े इंटरनल मैटर्स हैं, कश्मीर को डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, उनके जो इंडिया साइड गवर्नमेंट है, उनके होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट अभी आज दी है, उन्होंने बोला है, एक तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन कश्मीरियों की अपनी असेंबली में बढ़ा दी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि भाई अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर, क्लियरली उन्होंने बोला है कि भाई उनकी बात करेंगे, उसका लेंगे, वो हमारा कश्मीर है, हम ये कहते हैं कि हम वो आज़ाद कराएंगे। उन्होंने पहले तो आर्टिकल 370 अगर तो कश्मीरियों से पूछा जाता है कि अगर वो जो मकबूजा कश्मीर जो इंडिया साइड पे है, अगर तो वो उसको राइट दे रहे हैं,
फिर वो बात करते अच्छे लगते हैं कि वो पाकिस्तान साइड पे जो आज़ाद कश्मीर है उसको भी राइट्स देंगे। अच्छा, दूसरा ये मैंने जो स्टार्ट में बात की कश्मीर कश्मीरियों का है, ये राइट कश्मीरियों के है कि वो किसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हो सकता है आप सर्वे करने जाएं वो कि हम चाइना के साथ रहना चाहते हैं, देन ये दो मुल्क क्या है, ये डिस्प्यूटेड ओपिनियन है। ऐसे ही है कि मैं भी कहें कि भाई हम अपनी एक अलहदा, लेकिन यही बात मैं कह दूं, लेट्स सपोज मैं कहूं आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर को कश्मीरियों को फैसला करने दें, मैं यही कहूंगे भाई बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इशूज हैं, बलोचियों को बलोच को फैसला करने दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, पाकिस्तान फिर आप मानेंगे? नो, देखें वो एक स्टेट के अंदर मौजूद हैं, वो पाकिस्तानी रियासत का बाकायदा हिस्सा है। वो कब बना? ठीक है, वो 1947 में या बाद में? जब भी बने सर, हम आज़ाद बने उसके बाद कैटेगराइज तो कुछ हुआ ना कि ये बलोचिस्तान है, ये 60s में ऑलमोस्ट जाके वो, मैं वही कह रहा हूँ, वो जब भी हुआ डेट सारी मुझे याद नहीं है, वो एक चार सूबे बन गए, उसके बाद फिर डिवीजन होगी, गिलगित बल्तिस्तान आ गया, बन गए, वो बाकायदा पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका जो भी डिसीजन लेगी वो स्टेट लेगी, स्टेट ने डिसाइड करना है, वो जो भी मैटर्स है इंटरनली स्टेट के साथ डिस्कस होने वाले हैं। कश्मीर के जो मैटर्स हैं ये बैन अल-अक़वामी सतह के हो गए चुके हैं, यहाँ पे कश्मीरी डिसाइड करेंगे। हाँ। ये बलोची और ये सिंधी ये इस तरह डिसाइड नहीं होंगे। ठीक हो गया, ठीक है, हम लिसानियत प्रस्ती का शिकार नहीं होना चाहते, एक कौमी एतबार से हम पाकिस्तानी एक कौम होनी चाहिए। अब बलोचिस्तान सिंधी है पंजाबी है, इनको अलग अलग कौमों की सूरत में जब आप एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो एक बैन अल-अक़वामी तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है ना उसको, तो इशू होगा। मैं तो ओपनली ये कहता हूँ इवन हमें लसानियत या जात के ऊपर नहीं बात करनी चाहिए, एक पाकिस्तान और एक पाकिस्तानी की बात करनी चाहिए, ना ही मजहब को लाना चाहिए, ना ही किसी मतलब इस तरीके से पठान बलोच सिंध पंजाबी को लाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में इकोनॉमिकली इंप्रूवमेंट के लिए टूरिज्म को भी प्रमोट होना चाहिए, हमारा पॉइंट मूड होना चाहिए, तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हालात बेहतर हों। बहरहाल जो कश्मीर वाला आपने स्टार्ट में क्वेश्चन किया था वो मैं अपने पॉइंट पर वहीं पे हूँ, कश्मीर कश्मीरियों का है। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे नहीं लगता कि जो अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में कुछ भी ज्यादा बात की गई है, इनकी ये फालतू का वही रोना धोना है जो हमेशा ये लोग करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इतना ज्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। तो देखो दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ साल पहले ही जो जम्मू कश्मीर है उससे 370 जो आर्टिकल था उसको हटा दिया गया था। अभी जो स्टेटमेंट है उसे आप स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, वो संसद में उन्होंने स्पीच दी है और वहां पर उन्होंने बताया है कि यहां पर जो जम्मू कश्मीर है उसके लिए दो नए बिल आए हैं और उनमें से एक बिल है रीयूनियन बिल। तो जो रीयूनियन बिल है उसमें क्या है कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है उसके लिए जो यहाँ पर राज्यसभा है और जो लोकसभा है उसके लिए जो सीटें हैं वो आवंटित की गई हैं। तो उसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर के लिए जो किया गया है वो तो ठीक है, यहाँ पर जो पीओके है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने जो है कब्जा कर रखा है, तो दोस्तों वहां पर उसके लिए भी यहाँ पर सीट अलॉट की गई है, उसके लिए रिजर्व रखी गई है, यानी कि कोई चाहे तो वहां से पीओके से आकर चुनाव वहां पर लड़ सकता है या फिर पीओके को रिप्रेजेंट कर सकता है भारत की संसद में। तो ये दोस्तों पूरी न्यूज है और इसे आप एक कदम कह सकते हैं जो कि एक कदम आगे है पीओके की तरफ। और इस तरीके से दोस्तों जो हमारा दावा है जो वैसे तो पीओके हमारा ही है लेकिन इससे एक कदम और आगे हम बढ़ जाएंगे पीओके लेने की तरफ। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर के लिए एससी एसटी के लिए भी रिजर्व सीट रखी गई है, यानी कि अब जो भारत के जो कानून है जो पहले वहां नहीं चलते थे अब पूरी तरीके से चलेंगे। और जो वहां पर एक तरीके से जो कुछ परिवार थे उनका ही राज चलता था तो वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर एससी एसटी जो पूरे देश में बड़ा मतलब चलता है कि भाई एससी एसटी के लिए आरक्षण वाली जो बातें चलती हैं तो वो चीज दोस्तों वहां पर भी हो गई है। अब एससी एसटी वाले लोग भी वहां पर रिजर्व है उनके लिए सीट तो वो भी आएंगे। तो ये सब चीज दोस्तों इस वीडियो में मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला है कि इसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाला है उसने भी इसके बारे में कुछ बात नहीं की है कि मतलब जो पूरा स्टेटमेंट है वो क्या है, और जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उनका जो रेगुलर जो कश्मीर को लेकर जो भी उनकी जो सोच है वो ही दोस्तों हर टॉपिक पर सेम रहती है। तो इसमें भी मुझे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला और मुझे नहीं लगता कि इनमें को कुछ को पता होगा कि जो अमित शाह है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है जम्मू कश्मीर को लेकर। और आप इसे स्टेटमेंट नहीं कहें, ये बिल है और ये पास हो चुका है अभी दोस्तों, शायद राज्यसभा में हुआ है या लोकसभा में, अभी लोकसभा में हुआ है इसके बाद राज्यसभा में होगा,
तो जो भी पैटर्न है वो हो जाएगा, और जैसे ही दोनों जगह से पास हो जाएगा तो ये पूरा पक्का कानून बन जाएगा और इस तरीके से फिर जम्मू कश्मीर में काम चलेगा। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, रिएक्शन वीडियो। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर अभी जो मैंने रिएक्शन का जो एपिसोड शुरू किया है वो रिएक्शन तक ही नहीं रहेगा, इस पर हम एनालिसिस भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, टैक्स रिलेटेड चीज़ें भी हम एनालिसिस करेंगे। बाकी एक कह सकते हैं कि जो है एक यहाँ पर एक वीडियो है जो मैंने यहाँ पर टेस्ट के तौर पर अभी ये जो मैं डाल रहा हूँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो दोस्तों हम इसे कंटिन्यू करेंगे, और मैं यहाँ पर दोस्तों आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पर जो आप कह सकते हैं एनालिसिस कह सकते हैं, रिएक्शन कह सकते हैं, आप जो भी कहें दोस्तों वो मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। और इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम है तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर कॉन्टेंट नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिसर्च करनी पड़ती है, एडिटिंग में भी टाइम लगता है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने ये वाला जो है टॉपिक चुना है जिससे कि मुझे इजी होगा और दोस्तों आपके लिए भी डेली कंटेंट में ला पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग लाइक कमेंट जरूर करेंगे और मुझे इस वीडियो से रिलेटेड सजेशन जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।